वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। नशीले पदार्थों को मादक पदार्थ भी कहा जाता है और मादक पदार्थों पर व्यक्ति की निर्भरता, व्यक्ति जब उसका आदि हो जाता है तो उसको व्यसन कहा जाता है। इससे मन और व्यवहार प्रभावित होता है तो इसको व्यसन या एडिक्शन कहा जाता है। आमतौर पर जो नशीले पदार्थ होते हैं उनमें तंबाकू, जिसमें कि हानिकारक पदार्थ एल्कलाइड जो पाया जाता है उसका नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम जो तंबाकू के पौधे का होता है वो होता है निकोटियाना टबैकम। तो इसमें जो हानिकारक विषैला पदार्थ होता है वो होता है निकोटीन। तो निकोटीन जो पदार्थ होता है इसकी वजह से लोगों में कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और जो हृदय के रोग हैं वो भी कहीं ना कहीं तंबाकू की वजह से होते हैं। दूसरा मादक पदार्थ है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जिसको मदिरा या शराब भी कहा जाता है। तो मदिरा और शराब जो होती है, मदिरा या शराब, ये कई तरह से होती है। कुछ जो है आमतौर पे जो गांव में बनती है वो खासतौर से महुए की पुरानी शराब बनाने की प्रथा रही है। इसके अलावा विस्की, जिसमें कि एल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, इसके अलावा अलग अलग ब्रांडों से के नाम से आती है। तो ये सारी शराब कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शराब का जो उपापचय होता है, एथिल एल्कोहल का उपापचय होता है, वो होता है लीवर में। लीवर में इससे एसिटैल्डिहाइड नामक विषैला पदार्थ बनता है जिससे लीवर पर असर पड़ता है। इससे लीवर में सूजन आती है, उसके बाद में लीवर फैटी हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लीवर खराब होने से व्यक्ति की मृत्यु अक्सर देखने को मिलती है। तो शराब बहुत ही नुकसानदायक है, खासतौर से लीवर को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, ये हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। जो दिमाग का भाग होता है सेरिब्रम, जो बुद्धि और विचार का केंद्र होता है, उसको प्रभावित करती है, जिससे सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा जो पिछला मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम, वो प्रभावित होता है। इसकी वजह से व्यक्ति का पेशियों पर नियंत्रण उतना अच्छा नहीं रहता, देखने की क्षमता प्रभावित होती है, जिसकी वजह से लोग लड़खड़ा कर चलते हैं और एक्सीडेंट गाड़ियों का अक्सर हो जाता है, क्योंकि लोग दूरी का सही अनुमान नहीं लगा पाते और पेशी संतुलन लोगों का अच्छा नहीं रहता। तो इस तरह से हम देखते हैं शराब के कुछ खास नुकसान देखने को मिलते हैं। हालांकि इन दो नशीले पदार्थों के अलावा बहुत से रासायनिक पदार्थ आते हैं, खासतौर से अफीम से बने पदार्थ, जिसको ओपिएट नार्कोटिक्स कहा जाता है। अफीम को ओपियम कहा जाता है, इसलिए ओपिएट नार्कोटिक्स कहा जाता है, जो अफीम से हानिकारक पदार्थ, जो नशे वाले पदार्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है ओपिएट नार्कोटिक्स। तो इसमें आप आमतौर पर मॉर्फिन, इसके अलावा गांजा चरस और हेरोइन, ये सब बहुत से नशीले पदार्थ हैं जो कि हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं जो भी नशीले पदार्थ आमतौर पर लोग सेवन करते हैं, इनका कोई सीधे फायदा नहीं होता है, लेकिन लोग अपने क्षणिक आनंद के लिए इनका सेवन करते हैं, लेकिन इससे पैसे का भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं घर पे कलह की स्थिति बनती है और महिला उत्पीड़न होता है, बच्चों का लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से लोगों के घर टूटते हैं, कहीं ना कहीं समाज पे असर पड़ता है, बहुत से अपराध कहीं ना कहीं नशे के हालत में लोग करते हैं, इसलिए बढ़ते अपराध का कारण भी नशा है। इसके अतिरिक्त जो लोग गुटखा खाते हैं तो जाने अनजाने वो जगह जगह थूकना पड़ता है लोगों को, और अगर देखा जाए गहराई से, अगर कोई टीबी का मरीज मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीबी के रोगाणुओं को जगह जगह जाने अनजाने फैला रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं वो कहीं ना कहीं स्वयं तो अपने शरीर का नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में जो आसपास के लोग होते हैं उन पर धूम्रपान का बहुत
गहरा असर पड़ता है, उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोग दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। इस वजह से भी धूम्रपान लोगों को छोड़ने के बारे में एक बार सोचने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अगर इसमें सुधार किया जाए, समाज में सुधार बहुत बड़ा हो सकता है। सोचने का नज़रिया लोगों को बदलना होगा और ख़ास तौर से शिक्षक समुदाय को अपनी सोच बदलनी होगी, खुद भी सुधरना होगा, लोगों को समझाना होगा और ख़ास तौर से अगर वो बच्चों के लिए एक आदर्श बन सके तो बच्चे भी सुधरेंगे, बच्चे आगे नहीं बिगड़ेंगे और एक अच्छे समाज का विकास होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि पुराने समय में जब हम दुनिया में नंबर 1 थे, नंबर 1 थे, सारा विश्व हमको सोने की चिड़िया कहता था, उस समय कहीं ना कहीं ऐसी बातें थी कि लोग नशे में नहीं डूबे होते थे। लेकिन नशे में डूबने से बड़े देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई और कहीं ना कहीं उत्पादकता प्रभावित हुई, जिससे बड़े बड़े देश पीछे चले गए और उनका विकास नहीं हो पाया। इसलिए हमको नशे की दलदल से निकलना होगा, नशे के दलदल से युवाओं को बचाना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा।